got a bottle of Patron and some lights off. Two red devil looking eyeballs, and I finna turn up when the night falls. If you hear a siren, then it's my fault. Jump in my whip, baby, let's ride. हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन इन अ न्यू वीडियो। तो भाई ये रही अपनी कार, और भाई से एकदम मैंने अभी चमचमाया है अच्छे तरीके से, और ये स्टिकर बनवाया था मैंने, जिसका वीडियो मैं नहीं बनाया क्योंकि स्टिकर का क्या ही वीडियो बनाना। और यहाँ पर एक स्टिकर बनवाया था, ये फोर्ड का देख सकते हो भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी वॉश करी है जस्ट मैंने कार, और भाई बताता हूँ हम लोग को आज की वीडियो में क्या है। इधर पीछे भी तो अच्छा ही लग रहा होगा वैसे तो ये। तो आज की वीडियो में बेसिकली क्या करने वाला हूँ मैं, अपने टायर्स पे करने वाला हूँ। देखो तुम ऐसा कर, अपन कार देखते हैं। नहीं नहीं, सबसे पहले तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नए हो तो, और वीडियो को लाइक कर देना। हाँ सब, चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज की जो वीडियो में होने वाला बेसिकली देखो, जो देखो एक बार तुम कार की लुकिंग देखो, ऐसे ऐसे देखो तुम एक बार, सही लग रही है। मतलब जो ये व्हील कवर है अच्छे नहीं लग रहे हैं एक तरीके से देखा जाए तो, मतलब ये थोड़े ऑड से लग रहे हैं, मतलब जो ओल्ड टाइप का लुक दे रहा है थोड़ा सा, मतलब मुझे तो अच्छे नहीं लग रहे, बाकी आप लोग देख सकते हो। बाकी ये स्टिकर है, ये इनकी वजह से थोड़ा कम जच रहा है, बाकी जच तो रहा है। तो भाई जो आज वाली हमारी मॉडिफिकेशन है ना, वो ये होने वाली भाई, हम ये हटाएंगे व्हील कवर्स, और हमारी जो रिम है जो कि स्टील वाली रिम आती है वो ब्लैक कलर की है, स्टील रिम आती है, तो भाई वही अच्छी लगेगी मेरे हिसाब से। तो हम ट्राई करके देखते हैं वो, और प्लस यहाँ पर मैं जो ये है इनको हाईलाइट करने वाला हूँ वाइट कलर से, मतलब अच्छा लगेगा आपको, दिखाऊंगा जो भी है, मतलब इस पर हम हाईलाइट करेंगे इसे और व्हील कवर रिमूव करेंगे। तो भाई मैंने टायर वगैरह धो लिए, फिर उसके बाद याद है कि मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों को भी हेल्प मिल पाए। देखो पीछे व्हील कवर रिमूव है, मैंने रिमूव करके इनको साफ़ करा था। तो भाई आपको देखो सबसे पहले क्या करना है, इनको रिमूव कर लेना है। इनको रिमूव करने के बाद जो अपनी रिम है उसको अच्छे से साफ़ कर लेना है, टायर को अच्छे से साफ़ कर लेना है ना, उसका एक स्टेप मैं आपको बताता हूँ। तो चलो कर लेते हैं हम इसे रिमूव। इसे रिमूव देखो बेसिकली क्या करना है, एक साइड खींचना है, कोई एक पॉइंट पकड़ के हल्का सा पकड़ खींचोगे तो हो जाएगा रिमूव। तो भाई अभी तुम देखो मेरा थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, थोड़ा जंग है वैसा, लेकिन देखो तुम भाई लुक कितनी बढ़िया हो जाती है उसे हटाने के बाद। पीछे देखो और आगे देखो कितनी सही लुक हो जाती है। तो भाई अभी हम पीछे का भी डालते हैं, उधर का भी हटाएंगे, चारों करेंगे, और इधर के तो भाई मैंने अभी तक हटा के क्लीन करे नहीं है, बस तुम देखते हो तो टायर भी कितने गंदे पड़े इधर के। तो भाई ये भी क्लीन करूँगा पहले मैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक टायर करके बताता हूँ, फिर चारों करूँगा। और तो चलो हटा लेते हैं और लाते हैं कलर, बताता हूँ आपको कौन सा चल रहा है। जो यहाँ पर आ चुका है कलर, देखो भाई ऐसा तुमको कलर लेना, पोस्टर कलर आता है तो जाके दुकान पर तुम बोल सकते हो कि वाइट कलर का पोस्टर कलर दे दो, ये सही रहता है। उतरता भी नहीं है ऐसा कुछ, मतलब इतना जल्दी नहीं उतरता, मतलब 2-3 महीने टिक जाता है तो इतना बहुत होता है भाई। और चलो ब्रश लाते हैं और यहाँ पर करते हैं ये लगा के, और यहाँ लगा करते हैं इसको। तो भाई आपको लेना था वो कलर इस तरीके से, एक ढक्कन में जो कलर का ढक्कन आता है उसमें, और लेनी है ब्रश और उससे करना, देखो पास का थोड़ा सा देखो इस तरीके से लेना है, और जैसे 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 ये है देखो डिज़ाइन है, ये इस पर अपन लोग कर देना है। Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. तो गाइस देखो हो चुका है कंप्लीट, और ऐसी कुछ लुकिंग आ रही है उस साइड के, बाकी इस साइड के मैंने कर ली है एक बार के लिए। और भाई तुम लुकिंग चेक करो बस एक बार, क्या सही लग रही है भाई पहले से। तो मैं बिफोर एंड आफ्टर शॉट्स भी डाल दूंगा। सिनेमेटिक्स तो चेक कर ही लिए होंगे कैसे लग रहे हैं, और भाई बहुत शानदार लग रहे हैं मैं बता रहा हूँ ना, कैमरा में इतना जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है। और इस साइड हाफ हो चुका है, मतलब ये मैंने वॉश वगैरह करे हैं, अभी इनको करने के बाद पॉलिश भी करूँगा, उसके बाद अच्छा लगेगा। पीछे का देखो ये हो जाएगा, उसके बाद लुकिंग इसकी बहुत बेस्ट आने वाली है, जब भी हो जाएगा ना उसके बाद लुकिंग इस साइड से भी। तो चलो मैं इस साइड के कंप्लीट करता हूँ, और फिर वो नहीं है मतलब सिंपल मोड से, और अच्छी भी लगती है भाई कार इससे, क्योंकि जो व्हील कवर थी उससे थोड़ी ओल्ड स्कूल टाइप लगती है, मतलब कि अंकल टाइप की, इससे थोड़ी सही लुक देती है। मतलब इसको ब्लैक भी कर लूँगा ना मैं, और तो और ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि मेरे अलॉय थोड़े पुराने हैं, थोड़े क्या मतलब कार के साथ वाले हैं तो थोड़ी जंग वगैरह खा गए हैं, तो इनको हम रिपेंट भी कर देंगे बाद में, लेकिन मैं पहले चेक करा सही लगेगी नहीं, तो चलो करवाते हैं इनको पहले। तो भाई लोग हो चुके हैं कंप्लीट यहाँ पर, ये देखो भाई तुम ऐसा कुछ लग रहा है ढंग से देखो तो सही लग रहा है, मतलब पहले से तो अच्छा ही लग रहा है मुझे तो। और ये रहा पीछे का, तो ऐसे कुछ लुकिंग आ रही है टोटल अगर देखी जाए तो। मैं ब्राइटनेस कम करता हूँ, देखो भाई तुम क्या सही लग रहे हैं, मतलब बहुत सही है भाई पहले से तो, कैमरा में इतना कुछ आ नहीं रहा, और बाकी इन पर पॉलिश हो जाएगी ना एक बार तो और बढ़िया हो जाएंगे। और देखो भाई तुम
ऐसी कुछ लग रही है अपनी, शानदार लग रही है एकदम। तो बस यही था आज के वीडियो में, आपको पता ही लग गया होगा कैसे करा भाई। देखो पहले मैंने ये कवर हटाया, इसको अच्छे से क्लीन करा, टायर को अच्छे से क्लीन करा, फिर मैंने लिया था वो कलर, पोस्टर कलर और पोस्टर कलर, फिर ब्रश से अपन ने जो जो इस पर लिखे हुए होते हैं ना, जैसे ब्रिजस्टोन का है तो उसका ब्रिजस्टोन लिखे हुआ है उसको अपन ने हाईलाइट कर दिया, आगे MRF का है तो अपन ने MRF को हाईलाइट कर दिया। तो भाई उससे अपनी लुकिंग है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। तो भाई बस यही था आज की वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक कर देना, और कर सकते हो भाई आप भी, ये मॉडिफिकेशन बहुत सही लगती है। आगे भी आएंगे मैं ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ को लेकर, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और सिनेमेटिक्स चेक कर लेना आप। तो चलो तब तक के लिए बाय बाय।